हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 है। इससे पहले मैं 10 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुकी हूँ, आप सब ने प्रैक्टिस भी कर लिया है। दोस्तों, अब आपके पास थोड़ा भी टाइम नहीं है बीपीएससी और ईएमआरएस दोनों के लिए। बीपीएससी जैसा कि पहले होगा, उसके बाद ईएमआरएस का भी आपका डेट दिसंबर में ही है। तो दोस्तों, ये दोनों एग्जाम आपके समक्ष हैं और अदरवाइज आप ऑल स्टेट फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो सभी के लिए सभी क्वेश्चन सभी वीडियोज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और मैं थ्योरी सेशन भी पूरा कंप्लीट कराई हूँ एंड चैप्टर वाइज एक एक चैप्टर का एक एक टॉपिक का वीडियो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा चुकी हूँ बीपीएससी और अदर सभी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, समय नष्ट न करते हुए चलते हैं 11वें प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों के तरफ। तो क्वेश्चन है दोस्तों कि शारीरिक शिक्षा क्या है। तो शारीरिक शिक्षा क्या है? शारीरिक शिक्षा शारीरिक प्रशिक्षण देता है, यानी कि शरीर का प्रशिक्षण है। क्वेश्चन नंबर 2 है फिटनेस क्या है। तो फिटनेस वह होता है फिजिकल फिटनेस जो डेली रूटीन वर्क विदाउट एनी फटीग। तो वो कैसे हो सकता है? जो हमारे अंदर की शक्तियां हैं वो सही काम करेंगी तब, यानी कि हमारा हृदय तंत्र अच्छा काम करेगा, रक्त परिसंचरण तंत्र अच्छा काम करेगा, श्वसन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ किसी की अंतः शक्तियों की क्षमता को फिटनेस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है स्वास्थ्य के लिए अच्छा पोषण क्यों जरूरी है। क्योंकि अच्छा पोषण से शरीर का सर्वांगीण विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हृदय के निर्गत यानी आउटपुट का सामान्य मान क्या होता है। तो जो कार्डियक आउटपुट होता है उसको ज्ञात करने का सूत्र होता है हार्ट स्ट्रोक वॉल्यूम गुणे हार्ट रेट। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? हृदय की एक धड़कन में जितना रक्त पंप किया जाता है उसे स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। इसका मान होता है 70 ml और एक मिनट में हार्ट रेट कितना होता है? हृदय धड़कन 72। 70 × 72 का गुणा करेंगे तो 5040 ml आएगा, यानी कि 5.04 L प्रति मिनट कार्डियक आउटपुट यानी हृदय निर्गत होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है पुरुष त्रिकूद में टेक ऑफ बोर्ड और अखाड़े के बीच यानी लैंडिंग एरिया के बीच दूरी कितना होता है। तो पुरुषों के लिए इन दोनों के बीच दूरी 13 m होता है, महिलाओं के लिए 11 m। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है निम्न में से किस खाद्य पदार्थ में एक संतुलित आहार के लगभग सभी तत्व होते हैं। तो आप सभी को पता है दूध को एक संपूर्ण आहार की संज्ञा दिया गया है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है शिवांती गोल्ड कप किस खेल से संबंध रखता है। तो शिवांती गोल्ड कप वॉलीबॉल खेल से संबंध रखता है। क्वेश्चन नंबर 8 है डेविस कप किस खेल से जुड़ा है। तो लॉन टेनिस से इसका संबंध है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्वास्थ्य एवं व्यायाम वैज्ञानिकों के अनुसार स्वस्थ रहने के लिए एक के लिए कम से कम कठिन व्यायाम की जरूरत होती है। तो दोस्तों, डेली आधा घंटा एक दिन में और सप्ताह में 3 दिन व्यायाम करना आवश्यक है कम से कम वैज्ञानिकों के अनुसार। ठीक है, आधा घंटा एक दिन में, सप्ताह में 3 दिन। क्वेश्चन नंबर 10 है मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। तो 3 प्रकार के जोड़ होते हैं, चल संधि, अचल संधि और अर्धचल संधि। क्वेश्चन नंबर 11 है रक्तदाब को मापने का यंत्र क्या होता है। तो स्फिग्मोमैनोमीटर। एंड क्वेश्चन नंबर 12 है 110 मीटर बाधा दौड़ में कितनी बाधाएं होती हैं। तो 100 मीटर 110 मीटर 400 मीटर पुरुष महिला दोनों के तीनों चारों के लिए 10 बाधाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है एथलेटिक मीटर का फील्ड इवेंट क्या है। तो फील्ड इवेंट है इसमें यहां पे 100 मीटर दौड़, बाधा दौड़, रिले रेस, ट्रैक इवेंट है, जबकि फील्ड इवेंट लंबी कूद है। क्वेश्चन नंबर 14 है डेकाथलान में कितनी स्पर्धाएं होती हैं। तो दोस्तों, डेकाथलान में कुल 10 स्पर्धाएं होती हैं,
चार ट्रैक और छह फील्ड इवेंट यह पुरुषों के लिए होता है और प्रथम दिन 5 इवेंट और दूसरे दिन 5 इवेंट, कुल 10 इवेंट। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रिले रेस में एक्सटेंड जोन की दूरी कितनी होती है? तो आप सबको पता है स्क्रेच लाइन के 10 मीटर आगे और 10 मीटर पीछे यानी कि 20 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कबड्डी में जब लोना उठता है तो कितने अंक मिलते हैं? तो 2 अंक लोना का होता है और बोनस का 1 अंक होता है, याद रखिएगा। भारत में खो खो कहाँ लोकप्रिय है? तो महाराष्ट्र में ज्यादा खो खो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, 400 मीटर ट्रैक में 1.22 मीटर चौड़े लेन का तीसरा स्ट्रगर कितनी दूरी पर होता है? तो दोस्तों पहला स्ट्रगर होता है 0.00, दूसरा होता है 7.04, चौथा होता है 14.71, यहाँ पे 14.41 दिया है, यही राइट होगा। तो इसको निकालने का सूत्र होता है, उस सूत्र से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, ओलंपिक खेलों में पहली बार शपथ कब प्रारंभ हुआ? तो दोस्तों 1920 एंटवर्प ओलंपिक में, यानी कि आपका ओलंपिक झंडा भी और ओलंपिक में शपथ ग्रहण, ये दोनों 1920 एंटवर्प ओलंपिक में शुरू हुआ। एंड क्वेश्चन नंबर 21 है, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मनुष्य को प्रतिदिन कम से कम कितने समय व्यायाम करना चाहिए? तो प्रतिदिन 30 मिनट तक अवश्य व्यायाम करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, व्यक्ति के बहुमुखी विकास में क्या शामिल है? तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, नैतिक, आध्यात्मिक, ये सभी विकास मनुष्य के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, सोशियोग्राम किसकी माप करने का एक साधन है? तो दोस्तों सोशियोग्राम किसकी माप करने का एक साधन है? तो यह समूह के सदस्यों के बीच संबंध और आकर्षण को मापने का एक साधन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी व्यक्ति की उचित निर्णय लेने और आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने की क्षमता को क्या कहलाता है? तो यह बौद्धिक समझदारी कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, पिकनिक शरीर का एक प्रकार है, इसे किसने वर्गीकृत किया? तो दोस्तों क्रिस्टमर ने बॉडी टाइप को 4 भागों में बांटा है, पिकनिक, एथलेटिक, एस्थेनिक, डायस्प्लास्टिक। तो पिकनिक यह गोलकार शरीर होता है, वसा युक्त, ये क्रिस्टमर ने बांटा है। सेल्डन ने एंडोमोर्फिक, मेसोमोर्फिक एंड एक्टोमोर्फिक में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ऐसा कार्य शरीर कार्य करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा से कम मात्रा में ऑक्सीजन की आपूर्ति कर सकता है, किसके रूप में जाना जाता है? तो क्वेश्चन का कहने का अर्थ आप समझ गए होंगे, उसे अवायवी कार्य यानी अनैरोबिक क्रिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, खो खो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो प्रत्येक टीम में कुल 12 खिलाड़ी होते हैं, खेलने वाले 9 होते हैं, तो यहाँ पे 9 आपके राइट हो जाएंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 28 है, एक प्रशिक्षित व्यक्ति में आप क्या देख सकते हैं? तो एक प्रशिक्षित व्यक्ति में यही देख सकते हैं कि वो धीमा थकावट उसमें होगा, जल्दी नहीं थकेगा, देर तक काम कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्किन फोल्ड कैलिपर क्या मापता है? यह शरीर की चर्बी यानी वसा यानी फैट को मापता है, ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पेशी खिंचाव का क्या कारण होता है? तो दोस्तों पेशी खिंचाव का कारण होता है अत्यधिक प्रशिक्षण, आवश्यकता से अधिक प्रशिक्षण, जिसे अत्यधिक खिंचाव से मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और पेशी खिंचाव का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 31 है, मालिश क्या है? तो मालिश एक वैज्ञानिक कला और हस्त कौशल विधि है। क्वेश्चन नंबर 32 है, हम स्टाफ बोर्ड कहाँ देख सकते हैं? दोस्तों गोला फेंक यानी कि 60 फुट में स्टाफ बोर्ड होता है।
क्वेश्चन नंबर 33 है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो आपको पता है फीमर यानी उरु अस्थि, मानव शरीर की सबसे जांग की हड्डी फीमर सबसे लंबी और भारी अस्थि होती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, कौन सा रक्त समूह यूनिवर्सल डोनर यानी कि सर्वदाता है? तो वह है ओ, रक्त वर्ग ओ जो है सर्वदाता है। पॉजिटिव नेगेटिव पूछेगा तो ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल डोनर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, एक औसत कार्यशील महिला के लिए प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना आवश्यक होता है? तो 46 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत माना जाता है? तो सूर्य के किरण माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, एक स्वस्थ मनुष्य का समान तापक्रम कितना होता है? 98.6 डिग्री फारेनहाइट होता है। यहाँ पे दिया नहीं है तो आप 98 फारेनहाइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, प्रेरणा के सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत जीव विज्ञान संबंधी अभिमुखता रखता है? तो वह होता है आपका इंस्टिंक्ट सिद्धांत, मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने आप होता है। जैसे छींकना, आंखों से आंसू आना, भूख लगना, प्यास लगना, ये सभी मूल प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 39 है, सीखना किस पर निर्भर करता है? तो सीखना परिपक्वता पर निर्भर करता है, यानी कि सीखने की प्रक्रिया परिपक्वता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे बालक परिपक्वता की परिपक्व होता जाता है, वह नई नई क्रियाएं स्वयं ही सीखने लगता है, और आयु बढ़ने से एक सामान्य बालक में परिपक्वता भी बढ़ती है और उसके सीखने की क्षमता में भी विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, शरीर रचना यानी एनाटॉमिकल भाषा में हृदय की मांसपेशी को क्या कहा जाता है? तो मायोकार्डियम बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हृदय चारों ओर से घिरा होता है, तो हृदय तीन पेशियों से मिलकर बना होता है, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो पहला परत को एपिकार्डियम भी कहा जाता है, क्योंकि यह पेरिकार्डियम के दो परतों से बना होता है। तो एपिकार्डियम दिया रहेगा तो भी राइट रहेगा, पेरिकार्डियम दिया रहेगा तो भी राइट रहेगा। तो हृदय चारों ओर से किससे घिरा होता है? पेरिकार्डियम से। क्वेश्चन नंबर 42 है, यहाँ पे आपको सूची 1 के को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो 42 को हम थोड़ा ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको मिलान करना है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? सूखा रोग। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। विटामिन बी टू की कमी से क्या हो जाता है? खाज खुजली। विटामिन बी ट्वेल्व की कमी से क्या हो जाता है? एनीमिया। इस प्रकार ऐसा सीक्वेंस होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, शरीर में धमनियों का कार्य क्या होता है? तो धमनियां जो है हृदय से रक्त ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? शरीर के समस्त अंगों में। एंड क्वेश्चन नंबर 44 है, कौन सी हड्डी पैर का एक हिस्सा नहीं है? तो फीमर, टिबिया, फिबुला, ए पैर का हिस्सा है, जबकि ह्यूमरस जो है यह अपर आर्म यानी कि ऊपरी बांह का हिस्सा है हाथ की। क्वेश्चन नंबर 45 है, रतौंधि यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। इसमें आंखों की रोड सेल प्रभावित होती है। रोड सेल जो है अंधेरे में वस्तुओं को देखने की काम आती है, अंधेरे में प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करता है। और कौन से जो है रंगों को, वस्तुओं के रंगों को देखने में यानी प्रकाश में एक्टिव रहता है रोड कौन से, और अंधेरे में एक्टिव रहता है रोड सेल। क्वेश्चन नंबर 46 है, मानव में सामान्य धड़कन दर क्या होता है? तो 72 बार होता है प्रति मिनट, ठीक है, एक मिनट में 72 बार प्रति मिनट। क्वेश्चन नंबर 47 है, कर्णपटही झिल्ली कहाँ देखी जा सकती है? तो यह कान में देखी जा सकती है, जहाँ पे इंडोलिंग होता है। शरीर कान का दो काम होता है, सुनना और शरीर का बैलेंस बनाना। तो कर्णपटही झिल्ली में इंडोलिंग प्रकार नामक द्रव होता है जो शरीर को संतुलन बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों? तो इस ऑप्शन जो दिया है इसमें हो जाएगा शारीरिक कौशल का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत में किस वर्ष शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई? तो वह है 1920 में YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना SC बक ने मद्रास चेन्नई में किया।
एंड क्वेश्चन नंबर 50 है, गहन अध्ययन का थंडाइक नियम क्या है? तो थंडाइक ने सीखने के मुख्य तीन नियम दिए हैं, तत्परता यानी लाभ रेडिएशन और लाभ अभ्यास का नियम, लाभ एक्सरसाइज एंड लाभ इफेक्ट यानी प्रभाव का नियम। तो गहन अध्ययन का थंडाइक का नियम है प्रभाव का नियम पे आधारित। क्वेश्चन नंबर 51 है, सारी शिक्षा के अध्यापक का गुण होता है? तो दोस्तों एक उसको बेस्ट परफॉर्मर होना चाहिए, एक अच्छा निष्पादक। क्वेश्चन नंबर 52 है, सांप काटने पर क्या किया जाएगा? तो दोस्तों कई बार ये रिपीट हो चुका, सबसे पहले कैप बैंडेज का ही प्रयोग किया जाएगा, याद रखिएगा, उसके बाद चूसर होगा, क्योंकि कहीं चूसर दिया है तो कहीं बैंडेज दिया है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ? तो टोक्यो जापान में हुआ। एंड 2024 में पेरिस फ्रांस में होगा, 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में होगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, पूरे शरीर में रक्त को पंप करने वाले हृदय के अंग का क्या नाम है? तो वो है एरोटा यानी कि महाधमनी। क्वेश्चन नंबर 55 है, भारत ने हॉकी में पहली बार कब स्वर्ण पदक जीता था? तो 1980 पहली बार पूछा है दोस्तों, इसमें एक भी ऑप्शन राइट नहीं होगा। पहली बार 1928 एमस्टरडम हॉलैंड में स्वर्ण पदक जीता था, याद रखिएगा, आप सबको भी याद है, इसमें एक भी ऑप्शन सही नहीं रहेगा। 1980 में तो अंतिम बार जीता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 है, एक ट्रैक में एक लेन की चौड़ाई कितनी होती है? तो 1.22 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस प्रकार का आसन करने के बाद, किसी भी प्रकार का आसन करने के बाद कौन सा आसन करना आवश्यक होता है? तो शवासन, जिसे हम मृत्यु आसन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, पीठ की मांस समस्याओं और पीठ दर्द से बचने के लिए किस बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए? जब पीठ में दर्द है, पीठ की समस्या है, तो पीठ से वही उसी प्रकार का हम व्यायाम करेंगे, उन व्यायामों को करना चाहिए जो पीठ की पेशियों में खिंचाव लाते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, खेल में चोटें कैसे लगती हैं? तो दोस्तों जब नियम का आप पालन नहीं करेंगे तो खेल में चोटें लगती हैं, ठीक है, यानी कि जब खेलों के नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो खेल में चोटें ज्यादा लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन फिटनेस बढ़ाने के लिए एरोबिक गतिविधियों के अंतर्गत नहीं आते हैं? तो दोस्तों धीमी चाल में दौड़ना आता है, साइकिल चलाना आता है, रिदमिक व्यायाम आता है, बट दोहराई दौड़ नहीं आता है, केवल बी ऑप्शन आपका नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, ओलंपिक खेल कितने समय बाद होते हैं? तो प्रत्येक चौथे वर्ष ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, नीचे दिए गए आयोजन स्थल दिए गए हैं ओलंपिक के, और उनके आयोजन स्थल के क्रमिक रूप से लिखें। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था? तो मैक्सिको ओलंपिक कब हुआ था दोस्तों? 1968 में। कब हुआ था? 1968 में। एंड मास्को ओलंपिक कब हुआ था? 1980 में, ठीक है। एंड मॉन्ट्रियल कब हुआ था? 1972 में म्यूनिक जर्मनी हुआ था, ठीक है। 72 में कब हुआ था? म्यूनिक जर्मनी में। और मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था 1976 में। अब सीक्वेंस बाई आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे तो 1968 मैक्सिको होगा, 1। फिर कौन होगा? 1972 म्यूनिक पश्चिमी जर्मनी, 4। फिर होगा आपका मॉन्ट्रियल कनाडा 1976, 3। एंड मास्को रूस में 1980 में हुआ था, 2। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, एटीपी इसमें भंडारित रहता है? तो दोस्तों एटीपी प्रायः सभी कोशिकाओं में विद्यमान रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा भंडारित होता है मांसपेशी में। तो यहाँ पे आयोग जो मानेगा वो आंसर होगा, मांसपेशी ही मान सकता है और सभी कोशिकाओं को भी मान सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 64 है, पेशीय मरोड़ ऐंठन का क्या कारण होता है?
यानी क्रैम्प का क्या कारण होता है, पेशी मरोड़ का, तो लवण यानी नमक में कमी हो जाती है शरीर में, पेशी में कोई चोट हो जाना, अति संवातन, ये सभी चीजें यानी अति गर्मी होना, ये सभी चीजें जो है पेशी मरोड़ का कारण, ऐसा का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, ओलंपिक खेल कहाँ आरंभ हुए थे, तो यह ग्रीस यानी यूनान में आरंभ हुए थे, एथेन शहर के ओलंपिया नामक स्थान पर 776 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 66 है, पीड़ा कैसे पैदा की जाती है, तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति या बालक सबसे ज्यादा देखकर किसी चीज को ऑब्जर्व करता है तो कौशल को दिखाकर पीड़ा को पैदा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्रिकेट के एक टेस्ट मैच में एक ओवर में कितने बाउंसर फेंके जा सकते हैं, तो अधिक से अधिक 2 बाउंसर फेंके जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, प्रशिक्षण अवधि में हमारे शरीर में कौन सा अम्ल बढ़ जाता है, तो आपको पता है लैक्टिक अम्ल बढ़ जाता है जिसके कारण शरीर में थकान उत्पन्न होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्न में से फुटबॉल का सबसे पुरानी प्रतियोगिता कौन है, तो डुरंड कप जो है फुटबॉल का सबसे पुरानी प्रतियोगिता है, और यही रोवर्स कप, मडिका कप, DCM कप, ये सभी फुटबॉल से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 70 है, एक कोच का गुण क्या होना चाहिए, तो एक कोच के पास आत्मविश्वास अवश्य होना चाहिए। 71 है, सीटअप का उद्देश्य क्या है, तो आपको पता है एब्डोमिनल मसल्स स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को डेवलप करता है, तो पेट की पेशियों की शक्ति में सुधार करना इसका उद्देश्य होता है। 72 है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट में हम देख सकते हैं, तो 4 प्रकार का टूर्नामेंट होता है, नॉकआउट टूर्नामेंट, दूसरा लीग या राउंड रॉबिन टूर्नामेंट, तीसरा कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, चौथा चैलेंज टूर्नामेंट। जो कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट होता है तीसरा, वो 4 प्रकार का होता है, लीग कम लीग, लीग कम नॉक, नॉक कम नॉक, नॉक कम लीग, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, लीग कम नॉकआउट। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक क्रिकेट बैट की लंबाई कितनी होती है, तो 38 इंच होती है, कितनी होती है, एक क्रिकेट बैट की लंबाई, बैट की लंबाई होती है 38 इंच यानी कि 95.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 74 है, हृदय के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों यह सीने में फेफड़े और मध्यपट, मध्यपट यानी कि डायफ्राम के बीच केंद्रीय अवगमन के ऊपर स्थित होता है, ये राइट है, यहाँ पे इसका वजन लगभग 1300 ग्राम होता है, ये गलत है, यह एक पट द्वारा यानी कि सेप्टम द्वारा 2 भागों दायां और बायां भागों में बटा होता है, ये भी राइट है। एंड हृदय का प्रत्येक भाग आगे 2 प्रकोष्ठों यानी कि ऊपर के 2 प्रकोष्ठ क्या है, RTM यानी अलिंद और नलियों में उपविभाजित होता है, तो ये भी राइट है, तो यानी कि केवल बी ऑप्शन आपका, यानी कि कौन सा ऑप्शन आपका गलत है, केवल बी ऑप्शन, हृदय का भार जो है 250 से 300 ग्राम होता है, 1300 ग्राम नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 75 है, कैंप के दौरान गाया जाने वाला सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है, तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 76 है, सिगमंड फ्रायड को निम्न में से किस एक सिद्धांत का पिता कहा जाता है, तो वो मनोविश्लेषण सिद्धांत के पिता हैं। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक आशंका का एक लक्षण नहीं है, तो दोस्तों मनोवैज्ञानिक आशंका मनोस्थिति में उतार चढ़ाव, ये है मनोवैज्ञानिक आशंका, लगातार चिंता, उदासी या खिन्नता, ये तीनों आपकी मनोवैज्ञानिक आशंका है पर चक्कर आना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से क्या स्वास्थ्य से जुड़ा फिटनेस का घटक है, तो दोस्तों प्रतिक्रिया योग्यता, फुर्ती, तीव्रता, ये मोटर स्किल से रिलेटेड हैं, जबकि पेशीय सहन शक्ति हेल्थ रिलेटेड, फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड है।
क्वेश्चन नंबर 79 है, खो खो खेल की समय सीमा होती है? तो दोस्तों 9:39 बीच में 6 मिनट का मध्यांतर फिर 9:39, पहला इनिंग्स 9:39 फिर दूसरा इनिंग्स 9:39, दो इनिंग्स के बीच में मध्यांतर 6 मिनट यानी कि 9 + 4=36 और 36 और 6 कितना हो जाएगा 42 और 3 + 3=6 जो क्वार्टर ब्रेक है 48 यानी कि कुल 48 मिनट का आपका होता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, राजवर्धन सिंह राठौर ओलंपिक में से किस खेल से संबंध है? तो ये निशानेबाजी 2004 एथेंस ओलंपिक में इन्होंने रजत पदक जीता था। क्वेश्चन नंबर 81 है, हेप्टाथलॉन में महिलाओं की कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो हेप्टाथलॉन में महिलाओं की 7 प्रतियोगिताएं होती हैं, पहला दिन 7 प्रतियोगिताएं यानी 3 ट्रैक 4 फील्ड इवेंट, पहले दिन 4 इवेंट होता है और दूसरे दिन 3 इवेंट। पहला दिन 4 इवेंट में 100 मीटर हर्डल रेस, ऊंची कूद, गोला फेंक, 200 मीटर दौड़। दूसरे दिन में लंबी कूद, भाला फेंक, जेवलिन थ्रो, 800 मीटर दौड़ होता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, लचीलापन बढ़ाने के लिए कौन सा व्यायाम जरूरी होता है? तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा स्ट्रेचिंग व्यायाम, ठीक है। स्ट्रेचिंग हमेशा स्ट्रेच करना बॉडी को, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, ब्लड शुगर के लिए उपयुक्त व्यायाम क्या है? तो टहलना यानी कि वॉकिंग। क्वेश्चन नंबर 84 है, शारीरिक विकलांगता होती है? तो दोस्तों कुपोषण के कारण भी और रोग के कारण भी, दोनों के कारण शारीरिक विकलांगता होती है। ये आयोग किसको माना है इस पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 85 है, शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं? तो क्रिया यानी फंक्शन की बात है यहाँ पे, मानव शरीर के सभी भागों के कार्य से यहाँ पे संबंध है, ठीक है। मानव शरीर के सभी भागों के कार्य क्रिया विज्ञान से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 86 है, तैराकी में कितने प्रकार की प्रतियोगिताएं हैं होती हैं? तो 4 प्रकार की, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, जिसमें से फ्री स्टाइल सबसे तेज तकनीक होती है। क्वेश्चन नंबर 87 है, रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है यानी द्रव ऊतक है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 है, अभ्यास योजना क्यों जरूरी है? तो दोस्तों विद्यमान कक्षा की तैयारी करने के लिए अभ्यास योजना जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी आवश्यक है? तो किसको दोस्तों? अध्यापक हो चाहे विद्यार्थी हो, माता पिता, सबको, सभी के लिए फर्स्ट एड यानी प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत RICE पद्धति आता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, शारीरिक शिक्षा की कक्षा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो मैदान यानी कि फील्ड है, क्योंकि फील्ड में ही शारीरिक शिक्षा कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इसके नियमों के अधीन होनी चाहिए। जो हमारे भारत देश में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होंगी वो IOA यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ के अधीन, नियमों के अधीन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92 है, अपील कमेटी की जूरी में शामिल होने चाहिए? तो अपील कमेटी की जूरी में 3 से कम या 5 से अधिक सदस्य नहीं होना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ए, 3 या 5 व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 93 है, महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई कितनी होती है? तो 0.84 मीटर होती है और 110 मीटर बाधा दौड़ में पुरुष के लिए 1.067 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, मैराथन दौड़ की मानक दूरी कितनी होती है? तो आप सबको पता है 42.195 किलोमीटर यानी 26 मील 385 गज होता है। क्वेश्चन नंबर 95 है, ऊंची कूद प्रतियोगिता का लैंडिंग क्षेत्रफल कितना होता है? तो जो हाई जंप होता है, हाई जंप का जो लैंडिंग क्षेत्र होता है 5×3 मीटर का होता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो वो है कमलजीत सिंह संधू। क्वेश्चन नंबर 97 है,
60 फुट वृत्त की भीतरी व्यास कितना होता है? तो दोस्तों 60 फुट वृत्त की जो व्यास होता है 2.135 मीटर होता है, एंड हैमर थ्रो का भी इतना ही होता है, लेकिन जो आपका चक्का फेंक होता है उसका 2.50 मीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 98 है, ओलंपिक खेल 1992 में 100 मीटर पुरुष का विजेता कौन था? तो लिनफोर्ड क्रिस्टी था। क्वेश्चन नंबर 99 है, निम्न में से कौन ओलंपिक खेल समाप्ति की घोषणा करता है? तो दोस्तों ओलंपिक के उद्घाटन की घोषणा मेजबान देश का राष्ट्रपति करता है या अध्यक्ष करता है, जबकि समापन की घोषणा आईओसी का अध्यक्ष करता है। यहाँ पे चेयरमैन आप आईओसी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, तंत्रिका तंत्र में जोड़ को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका तंत्र के जोड़ को साइनेप्स यानी कि संयुग्मन हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा साइनेप्स बोला जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 101 है, परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग क्या है? तो आप सबको पता है परिसंचरण तंत्र का मुख्य अंग है हृदय। क्वेश्चन नंबर 102 है, योग के एक तत्व के रूप में आत्म नियंत्रण की एक प्रक्रिया है जिसमें कोई व्यक्ति अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करने में सक्षम हो जाता है और मानसिक एकाग्रता को बाधित करने वाली बाहरी वस्तुओं द्वारा इंद्रियों में कोई हरकत नहीं होता। तो इंद्रियों को बस में करने का बात प्रत्याहार में कहा गया है। अष्टांग योग के कौन सा भाग है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, पांचवा भाग है, धारणा, ध्यान, समाधि। क्वेश्चन नंबर 103 है, स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का प्रमुख घटक है? तो दोस्तों यहाँ पे कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, बॉडी कंपोजिशन, मांसपेशीय शक्ति, लचीलापन, ये चारों के चारों स्वास्थ्य संबंधी दक्षता का घटक है, लेकिन इसमें सबसे प्रमुख घटक है कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस। क्वेश्चन नंबर 104 है, क्रिकेट के खेल में आमतौर पर प्रयुक्त शब्द सन्ड्री का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यह ऑस्ट्रेलिया में प्रयुक्त शब्द एक्स्ट्रा को सन्ड्री कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 105 है, निम्न में से किसे ओलंपिक खेलों की मेजबानी सौंपी जाती है? तो जितने भी शहर का दावा देश करते हैं उसमें से किसी भी देश के एक शहर को चुन लिया जाता है, तो शहर को सौंपा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, ओलंपिक में सबसे पहले किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय गान गाया गया? तो दोस्तों ओलंपिक में भारत का झंडा और राष्ट्रीय गान पहला बार गाया गया 1948 लंदन ओलंपिक में। क्वेश्चन नंबर 107 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्वास्थ्य की संकल्पना अभिकेंद्रित है? तो WHO के अनुसार पूर्ण तंदुरुस्ती के अर्थ के रूप में स्वास्थ्य या स्वास्थ्य की संकल्पना दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 108 है कि वयस्क मनुष्य में नब्ज दर का रेंज यानी बीट प्रति मिनट हार्ट रेट कितना होता है? तो 60 से 80 इसका रेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, जोड़ों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो आर्थोलॉजी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का उपयोग किया जाना चाहिए? तो किसके द्वारा, किसके लिए? तो विद्यार्थी को बेहतर समझने और शिक्षक की मदद हेतु स्कूल स्वास्थ्य रिकॉर्डों का उपयोग किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 111 है, अंशफलक यानी स्कैपुला अस्थि स्थित होती है? तो कहाँ पे स्थित है? ऊपरी पीठ में यानी कि अपर बैक में। क्वेश्चन नंबर 112 है, खेलों में संवेग के प्रशिक्षण के लिए श्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो अनुप्रेषण यानी कि रीडायरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 113 है, हॉकी में गेंद एक गोल रक्षक के पैरों में फंस जाती है तो उसके बाद खेल पुनः आरंभ कैसे किया जाता है? तो बूली द्वारा किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 114 है, ट्रिपल जंप प्रतियोगिता में टाई को ब्रेक करने के लिए क्या किया जाता है? तो अगले नेक्स्ट श्रेष्ठ निष्पादन पर विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है,
कि खेल में 3 सेकंड का नियम लागू होता है किस खेल में, तो बास्केटबॉल में। किस में 3 सेकंड का नियम लागू होता है, बास्केटबॉल में। यानी कि जब गेंद किसी टीम के अधिकार में हो तो उसकी टीम का कोई भी खिलाड़ी विरोधी टीम के प्रतिबंधित क्षेत्र में 3 सेकंड से अधिक नहीं रह सकता। क्वेश्चन नंबर 116 है, भारतीय ओलंपिक संघ IOA यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का गठन किस वर्ष हुआ था, तो 1927 में हुआ था और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है पीटी उषा। क्वेश्चन नंबर 117 है, ट्रेकोमा संक्रमण है, तो ये आंख का रोग है, वायरल डिजीज। क्वेश्चन नंबर 118 है, मानव जीवन में की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है, तो मनोभौतिक, भौतिक शरीर होता है, मन मन होता है, तो मन तथा शरीर की विकास को मनोभौतिक एकता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, लिम्बरिंग डाउन कब करते हैं, तो दोस्तों खेलों से पहले, क्रिया से पहले हम गर्माते हैं, वार्मिंग अप करते हैं, और खेलों के पश्चात हम लिम्बरिंग डाउन यानी कि ठंडा होना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है, बास्केटबॉल खेल में दूसरे और तीसरे मध्य में मध्यांतर यानी हाफ टाइम का समय कितना होता है, तो दोस्तों बास्केटबॉल जो गेम होता है वो 10-10 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, 10-2-10, फिर 15 मिनट का मध्यांतर, फिर 10-2-10। तो यानी ये क्या पूछा है, दूसरे और तीसरे के मध्य में, तो दूसरे और तीसरे के बीच क्या है, 15, कितने टाइम का मध्यांतर है, हाफ टाइम 15 मिनट का, तो राइट आंसर होगा 15 मिनट। क्वेश्चन नंबर 121 है, मोटापे के लिए निम्नलिखित कारण है, तो क्या है, कम व्यय की अपेक्षा अधिक कैलोरी ग्रहण करना ही मोटापे का मुख्य कारण है। जितना आप ऊर्जा व्यय कर रहे हैं उससे कहीं अधिक कैलोरी ले रहे हैं, तो जो अधिक कैलोरी ले रहे हैं वो फैट के रूप में शरीर में जमा होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 122 है, इनमें से कौन राष्ट्रीय खेल संगठन व्यावसायिक खेल प्रोफेशनल स्पोर्ट्स का प्रतिनिधित्व करता है, तो वह है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 123 है, अभिप्रेरणा के प्रकार हैं, तो दोस्तों अभिप्रेरणा 2 प्रकार का होता है, बाह्य और आंतरिक, बाह्य अभिप्रेरणा एंड आंतरिक अभिप्रेरणा। इससे सवाल खूब भर भर के पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे ए और डी आपका राइट होगा, यानी कि आसन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 124 है, अखाड़ा किस खेल से संबंधित है, तो यह कुश्ती से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 125 है कि मोच किसकी वजह से होती है, मोच यानी स्प्रेन, तो यह लिगामेंट के अत्यधिक खिंच जाने से होती है, यानी खिंचाव या फटी हुई संधि स्नायु, मतलब लिगामेंट के अधिक खींचने से। तो दोस्तों ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का 125 क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और डेली बेसिस पर इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। तो मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 12 के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।